जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच मेलबर्न में खेला जा रहा है। दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन पाकिस्तान के गेंदबाजों ने पाकिस्तान की जीत की उम्मीदों को कायम कर दिया है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में दूसरा टेस्ट मैच जीत सकती है। हम किस लिहाज पे आपको बता रहे हैं, इस लिहाज पे बता रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम ने जब दूसरे दिन का खेल समाप्त हुआ था तो पाकिस्तान की टीम का स्कोर 194 रनों पर 6 विकेट था, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो पाकिस्तान की टीम ने 264 रन पर अपनी पारी आउट कर ली। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को महज 54 रनों की बढ़त मिली। अब ऑस्ट्रेलिया को इस टेस्ट में 54 रनों की बढ़त बहुत होती है ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी जब स्टार्ट हुई तो साइंसा अफरीदी ने ऑस्ट्रेलिया को महज 6 रनों पर दो झटके दे दिए, और उसके बाद पांचवें ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर मीर हमजा ने भी ऑस्ट्रेलिया को दो तगड़े झटके दिए, जिसमें डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड को आउट किया। इस हिसाब से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का स्कोर दूसरी पारी में 16 रन होते होते 4 विकेट को आउट कर लिया। इस हिसाब से अब ऑस्ट्रेलिया के पास 70 रनों की बढ़त है।